हाय एवरीवन, मैं हूँ विभा और मेरे चैनल टेस्टी फूड बाय विभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सबके फेवरेट चिकन पॉपकॉर्न्स, जिन्हें आप एज एन इवनिंग स्नैक या पार्टीज में एज अ स्टार्टर भी बना सकते हैं। इन चिकन पॉपकॉर्न्स को आप अपना फेवरेट टीवी शो, मैच, मूवीज देखते टाइम भी खाते हुए इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और फटाफट भी बन जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन पॉपकॉर्न्स। तो गाइस, चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कट करवा लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीसेस कट करवा लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। ये मैंने 1.5 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स लिए हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग भी कहते हैं। ये 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये जाएगा इसमें, और अब लास्ट में जाएगा इसमें 1 अंडा, ये मैंने डाल दिया है। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने भी चिकन पीसेस हैं वो मसालों से अच्छे से कोट हो जाएं। चलिए, चिकन पीसेस तो अच्छे से कोट हो गए मसालों से। अब हम इसे ढककर ऐसे ही 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। आप इसे ओवरनाइट भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन तब इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे बाद। हमारे चिकन को मैरिनेट हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए इसको एक बार अच्छे से हिला लेते हैं ताकि जो मसाले और चिकन है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। चलिए ये तो हो गया, अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने लिया है कि बड़ा मिक्सिंग बाउल, इसमें जाएगा 2 कप मैदा। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब जिसे पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग भी कहते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। चलिए अब ये सारे स्पाइसेस जो हमने डाले हैं मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमने मैदे में भी कितने मज़ेदार मसाले ऐड कर दिए हैं और चिकन में हमने बढ़िया मसाले डाले हुए हैं ऑलरेडी पहले से। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे चिकन पॉपकॉर्न कितने बढ़िया बनेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मैदा है, मसाले हैं, सारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। चलिए, हमारा जो मैदा है और जो मसाले हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम लेंगे चिकन और इसे मैदे में डाल देंगे। देखिए, मैंने सारे चिकन के पीसेस मैदे में डाल दिए हैं। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मैदा है वो चिकन पे अच्छे से कोट हो जाए। देखिए, चिकन को हाथों की हेल्प से मैदे से अच्छे से कोट करना है और हमें जो पीसेस चिपक रहे हैं आपस में उसको अलग करते जाना है। कोई पीस आपस में जुड़ ना जाए, सारे सिंगल सिंगल रहें। देखिए, जैसे मैं अलग अलग कर रही हूँ, कुछ पीसेस बीच में आपस में चिपक रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसे हमें सेपरेट करते जाना है। आप देख सकते हैं जो चिकन के पीसेस हैं वो कितने अच्छे से मैदे से कोट हो चुके हैं। अब हम बाउल को थोड़ा सा साइड पे कर देंगे और हम लेंगे एक प्लेट। ये मैंने एक प्लेट ले ली है। अब हम सिंगल सिंगल चिकन के पीसेस उठाएंगे और उसको ऐसे हाथों से दबाते हुए गोल शेप देंगे, जैसे पॉपकॉर्न की होती है।
देखिए इस तरह से दबाना है और उसको गोल शेप देनी है। ये देखिए मैंने पहला चिकन पॉपकॉर्न रेडी करा है, इस तरह की शेप देनी है गोल। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मैदे की कोटिंग है वो चिकन पे अच्छे से चिपक जाए। मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम एक सिंगल चिकन का पीस लेंगे, हाथों से गोल करेंगे, पॉपकॉर्न की शेप देंगे जैसे पॉपकॉर्न गोल होते हैं और प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से हमें अपने सारे चिकन पीसेस को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से हम जो चिकन को दबा रहे हैं इससे जो मैदे की कोटिंग है वो भी अच्छे से चिकन के पीस पे चिपक रही है और इसको बढ़िया पॉपकॉर्न की गोल शेप भी मिल रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने सारे चिकन पीसेस को अच्छे से दबाते हुए मैदे से कोट कर दिया है और इन्हें बढ़िया सी पॉपकॉर्न की शेप दे दी है। अब इन चिकन पॉपकॉर्न को एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस देने के लिए मैं इसे वापस मैदे में डाल दूंगी जो बाउल में बचा हुआ है। बाउल को मैं थोड़ा सेंटर में ले आती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर 1-2 टीस्पून पानी का छिड़काव करना है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 2 टीस्पून जितना पानी छिड़क दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो सारा मैदा है बचा हुआ उसे चिकन पॉपकॉर्न्स पे अच्छे से कोट कर देंगे। ऐसा करने से एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रस्ट बनेगा हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स का। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारा बचा हुआ मैदा था उसकी अच्छे से एक्स्ट्रा कोटिंग हो जाए चिकन पीसेस के ऊपर। ये देखिए मैंने चिकन पीसेस के ऊपर मैदे की एक्स्ट्रा कोटिंग भी कर दी है। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। अब इसमें डालेंगे हम चिकन पॉपकॉर्न्स। गैस की फ्लेम को यहाँ मीडियम ही रखिएगा क्योंकि गैस की फ्लेम अगर हाई होगी तो वो पॉपकॉर्न बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। मीडियम पे फ्राई करने से जो हमारे चिकन पॉपकॉर्न है वो बाहर से भी क्रिस्पी होंगे और अंदर से भी अच्छे से गल जाएंगे। तो चलिए मैंने चिकन पॉपकॉर्न्स ऑयल में डाल दिए अब फ्राई होने के लिए। एक साइड को पकने में 3-4 मिनट लगेंगे, फिर हम इसे पलट देंगे। हमें चिकन पॉपकॉर्न्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देना है। 3-4 मिनट तक इसको टच भी मत करिएगा, नीचे से अच्छे से सिकने दीजिएगा। चिकन पॉपकॉर्न्स को नीचे की तरफ से फ्राई होते हुए लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब इसे पलटते हैं। वाओ, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी क्रस्ट आ रहा है हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स का और कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो चलिए इसे लगभग 2-3 मिनट और फ्राई होने देते हैं। अब हम इन चिकन पॉपकॉर्न्स को उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स का कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं ये। तो चलिए इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी के बचे चिकन पॉपकॉर्न्स भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितनी फटाफट, कितने सारे, कितने बढ़िया क्यूट क्यूट से हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स बनके रेडी हैं। मैंने एक चिकन पॉपकॉर्न उठाया है, इसको मैं हर तरफ से घुमा के दिखा रही हूँ। इसका कितना क्रिस्पी क्रस्ट बना है ऊपर से और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जूसी है। तो चलिए इन सभी चिकन पॉपकॉर्न्स को हम सर्व कर लेते हैं। अब हमारे चिकन पॉपकॉर्न सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लग रहे हैं ना माउथ वाटरिंग और मज़ेदार से। इन्हें आप अपनी फेवरेट सॉस और कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय करें और मज़े करें। तो देखा फ्रेंड्स कितने टेस्टी और फटाफट बन जाते हैं ये चिकन पॉपकॉर्न्स, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, मेरा चैनल टेस्टी फूड बाय विभा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोस भी मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय।